हेलो, मेरा नाम सुनिधि शर्मा है और मैं दिल्ली में हूँ। रेडियो से काफ़ी नाता रहा है मेरा, सुनती भी रही, कभी बचपन में जाते भी रहे, लेकिन नेट पे जब मैंने दीपक वॉइसेस को सुना और देखा, फिर मैंने जब फ़ोन पे सर से बात की तो बहुत अच्छा लगा। एक तो इनकी आवाज़ इतनी सूदिंग है कि आप फर्स्ट टाइम में जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि इस इंसान से तो कम से कम मिलना चाहिए। तो मैं जब सर से मिली एक दो बार, तो मैंने इनसे ट्रेनिंग लेने का सोचा, जो कि बहुत फायदेमंद भी साबित हुआ मेरे लिए। तुसी भी मीडिया नाल जुड़ो ते अपना करियर चुनो। JR मीडिया इंस्टीट्यूट दे नाल। JR मीडिया इंस्टीट्यूट दे नाल। दे नाल होना चाहिए थे JR मीडिया इंस्टीट्यूट दे द्वारा। ना, पंजाबी है ना सर। चलो चलेगा ना पंजाबी विच, है ना? ठीक है, दोबारा दें देने, ठीक है? हाँ जी। JR मीडिया इंस्टीट्यूट दे नाल। ये मीडिया दा प्रोनंसिएशन ठीक करो थोड़ा। JR मीडिया इंस्टीट्यूट दे नाल। हां, दे नाल तो आगे लंदे ने। रेडी? ठीक। आओ जी। एक ई लर्निंग में स्पेशली हिंदी और पंजाबी में एड्स हो, ई लर्निंग हो, पोएट्री हो, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। रेडी? हां जी। आओ जी। जिंदगी विच कुछ अपने जिंदगी विच कुछ अपने घर तो बाहर भी मिलते ने। ओना नु मिलता ना खिचो की कई अरसे। ठीक है, उतरा ना करो। शुरू से लूं? शुरू तो लवांगे। आओ जी। एक तो ये कि जब हम अपने घर पे बैठ के सोचते हैं कि मुझे हिंदी बोलना आता है, मुझे पंजाबी बोलना आता है, सो आई कैन डू वॉइस ओवर्स, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक जी से मिलने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इतनी तरह की मॉड्यूलेशंस हैं, इतनी मेहनत है हर आवाज़ के पीछे, हर वॉइस ओवर के पीछे, कि आपको बार बार लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर दीपक जी जैसे गाइड आपके साथ हैं तो आपके लिए फिर कोई मुश्किल भी नहीं है। इस तरह कर देने, एक और ऑप्शन दो मेनू एदा। दे नाल से आगे ना। हाँ जी। ओके, थोड़ा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए। ठीक है सर। हाई मॉड्यूलेशन एनर्जी रहेगी ते स्माइलिंग करते हुए। ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन लेने ने। जी। इस टेक नु रख लेंगे। रेडी? जी सर। स्पेशली वॉइस ओवर के लिए यू शुड हैव अ गुड वॉइस। हाँ, उसमें भी सर ने बताया कि अगर आपकी वॉइस उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो किस तरह से आप योग से या कुछ टेक्निक्स सर ने बताई आप अपनी वॉइस को और सुधार सकते हैं, और सुधार लें। और विशेस ऑल फ्रेंड्स अ वेरी हैप्पी दिवाली। अ वेरी नु थोड़ा कट कर दो। ठीक है, कॉन्वर्सेशनल बनाओ नु। ठीक है, सिर्फ ए लाइन। ठीक है। ठीक है सर। आओ जी। ज़ोरूम्स विशेस ऑल फ्रेंड्स अ वेरी हैप्पी दिवाली। बिल्कुल ठीक है। नए लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वॉइस ओवर एक ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आपने जस्ट एंटर किया एंड यू गेट समथिंग। पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू शुड हैव अ वेरी गुड गाइड। उसके बाद आपको उसमें पेशेंटली अपने आप को डालना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी गलतियाँ। उसके बाद कहीं जाकर आप सोच सकते हैं कि मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हूँ और बनी भी रह सकती हूँ। अगली स्क्रिप्ट रेडी है तोड़ी? हाँ जी। एक मिनट लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बिल्कुल वेलकमिंग टोन होनी चाहिए। ये IVR है ना? हाँ जी। बिल्कुल स्माइलिंग करते हुए वेलकमिंग टोन। ठीक है, जिस तरह मैं दसी सी। हाँ जी। आओ जी। एक